नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फेक न्यूज। नेपाल में होती एक अनोखी परंपरा से पूजा, दिवाली के दिन यहां की जाती है कुत्तों की पूजा। तो ये देखते हैं इसकी पूरी खबर। नेपाल में मनाई जाती है अनोखी दिवाली, यहाँ की जाती है कुत्तों की पूजा। दिवाली का पर्व पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है, फिर छोटी दिवाली मनाई जाती है, उसके बाद बड़ी दिवाली मनाई जाती है। भारत में लोग छठ त्यौहार में भी मनाते हैं, इसके बाद 12 दिनों तक त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा एक पर्व नेपाल में मनाया जाता है जो कि भारत दिवाली जैसा होता है। नेपाल में लोग कुत्तों की पूजा करके मनाते हैं। आखिर क्या मान्यता है नेपाल में दिवाली के दूसरे दिन तिहार त्यौहार की, क्यों की जाती कुत्तों की पूजा? नेपाल के लोग ऐसे मान्यता है कि शास्त्रों में कहा गया यम देवता का संदेश वाह कुत्ते हैं। नेपाल में कहा जाता है कि इंसानों की रक्षा कुत्ते मरने के बाद भी करते हैं, यही वजह है कि कुत्ते की पूजा इस दिन करते हैं। यह त्यौहार एक संदेश जानवरों के प्रति हर नेपाल में 5 दिनों तक चलता है। इस पर्व में अलग अलग जानवरों को लोग पूजा करते हैं, गाय कुत्ते कौवा बैल इन सबकी पूजा की जाती है। कुत्ते को कुकुर तिहार के दिन सम्मानित किया जाता है, फूलों की माला भी कुत्ते को पहनाते, साथ तिलक भी लगाते, पिलाई जाती है दही। इस दिन कुत्ते को दही पिला करके अंडे दूध कुत्ते को खाने के लिए दिया जाता है। इस दिन लोग कामना करते हैं कुत्ते के साथ उनके साथ उनके जिंदगी में हमेशा बना रहे। नेपाल में इस त्यौहार को कुत्तों और इंसानों के बीच अच्छे संबंध को दिखाने के लिए भी कुत्तों की पूजा होती है। आपको बता दें कि इस दिन कुत्ते को सजाया जाता है, उन्हें मनपसंद खाना भी खिलाया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। नेपाल के लोगों का मानना है कि कुत्ते की पूजा करने से भैरव उन्हें दुखों से बचाते हैं।